हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक कैंडिडेट से बात किया था जो सिलेक्शन हो गया है उनकी, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या पहले होता है, ग्रुप डिस्कशन कब होता है, SRT कब होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने बिल्कुल बढ़िया से, फीमेल एस्पिरेंट है, उन्होंने बढ़िया से बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। अगर आप एयरफोर्स ग्रुप वाई में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिए और कॉमेंट करके बताए लास्ट में तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद। शी इज एलिजिबल फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप बिकॉज शी डोंट हैव अ PCM इंडिया 12th क्लास, ओके। एंड नंबर वन, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, दैट कंसिस्ट ऑफ टू सब्जेक्ट्स, दैट इज रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, दैट इज रागा, वन सब्जेक्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, एंड टोटल 45 मिनट्स दिया जाएगा। फिर और इसके बाद 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। सो नंबर टू, फिर फेज़ टू होगा, फेज़ टू में आपका PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसमें गर्ल्स के लिए रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, सीटअप्स होंगे 10 सीटअप्स इन 1.5 मिनट, स्क्वाट्स होंगे 15 स्क्वाट्स इन 1 मिनट, दैट इज़ फॉर फीमेल। एंड ये है एंड नंबर, उसके बाद हो गया जो कैंडिडेट PFT को क्लियर कर लेंगे वो अडेप्टिलिटी टेस्ट 1 में जाएंगे, एंड द कैंडिडेट हु क्लियर PFT कैन गिव, हाँ ये जो मतलब वो बंदा ही इसको दे सकता है जो PFT क्लियर कर लेगा, है ना। एंड या सो जो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 है ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो कैंडिडेट की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, एंड उनकी मेंटल एबिलिटी कि हाँ दैट पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर ज्वाइनिंग एयरफोर्स और नॉट, है ना। एंड इसमें एक SRT होती है, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहाँ पे कैंडिडेट को 45 MCQs दिए जाते हैं और उन्हें सॉल्व करना होता है इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, है ना। और इसमें मतलब ये टेस्ट इसलिए दिया क्योंकि इसमें जनरल बिहेवियर कैंडिडेट का देखा जाता है, मेंटेलिटी देखी जाती है कि कैसी एंड हाउ दे कैन रिएक्ट इन एनी सिचुएशन, है ना। सो फिर ये जो SRT क्लियर कर लेता है, सॉरी जो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 क्लियर कर लेता है, देन वो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में जाता है ना। एंड इसमें GD जैसे ग्रुप डिस्कशन बिठाया जाता है, इसमें 10 to 15 कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सेमी सर्कल में बिठाया जाता है और फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है उनको, फिर उसमें उनको अपने व्यूज़ बताने होते हैं कि हाँ मेरा ये व्यूज़ है वो व्यूज़ है। तो बेसिकली ये अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी नॉलेज की हाँ वो उनकी कितनी नॉलेज है ये दिखी जाती है। सो एंड आफ्टर दैट मेडिकल विल बी देयर,